हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मेडिसिन नॉलेज में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डाबर पुदीन हरा टेबलेट के बारे में। तो आइए बिना देरी किए चलते हैं सीधे टॉपिक पर। और सबसे पहले अपन बात करेंगे डाबर पुदीन हरा टेबलेट के कंटेंट के बारे में। इसमें मेंथा पेपेरिटा और मेंथा स्पाइका पाया जाता है। डाबर पुदीन हरा टेबलेट डाबर कंपनी के द्वारा निर्मित की जाती है। इसके बाद अगर अपन बात करें कि डाबर पुदीन हरा टेबलेट के उपयोग क्या क्या होते हैं, तो इसका उपयोग बदहजमी, उल्टी, मितली और शीतलता के उपचार हेतु किया जाता है। इसकी तासीर गर्म होती है। इसके बाद अगर अपन बात करें कि डाबर पुदीन हरा टेबलेट के डोजेस क्या क्या होते हैं, तो इसे सुबह, दोपहर और शाम में या आवश्यकता अनुसार दिन में 1 से 2 बार डायरेक्ट पानी से लिया जा सकता है। इसे 12 साल से छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए। इसके बाद अगर अपन बात करें कि डाबर पुदीन हरा टेबलेट कब कब खाना चाहिए, तो इसे ज़्यादातर लोग गर्मियों के दिनों में ही उपयोग करते हैं और इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे पूरे साल में कभी भी ज़रूरत पड़ने पर लिया जा सकता है। इसके बाद डाबर पुदीन हरा टेबलेट के साइड इफेक्ट। अब अगर लास्ट में हम इसके साइड इफेक्ट की बात करें, तो जैसा कि यह एक आयुर्वेदिक दवा है, तो इसके साइड इफेक्ट ना के बराबर ही किसी में देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ वीडियो करते हैं पर समाप्त। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।